हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। आई होप कि आप सब इस फेस्टिवल सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दिनों से मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा था बनाने के लिए। तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें फेस स्वैपिंग के ऊपर ट्यूटोरियल देखना है। तो मैंने सोचा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, फनी रहेगा, एक फेस स्वैपिंग के ऊपर ट्यूटोरियल बनाना। तो ये है मेरा ट्यूटोरियल जो फेस स्वैपिंग के ऊपर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने मैंने एक फेस स्वैपिंग किया है। यह है इसका आउटपुट और यह है इसका इनपुट। तो आप देख सकते हैं मैंने मिस्टर बीन के ऊपर ईशा गुप्ता का चेहरा लगा दिया है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फनी है। इंटरनेट में अक्सर से फ़ोटो होते हैं जिसका फेस स्वैप किया रहता है इसे फनी बनाने के लिए। आप इसे करके बहुत मज़ेदार चीज़ बना सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो इमेज लेंगे जिसे हमें फेस स्वैप करना है। इसका बेसिक ये है कि दो एक तरह का इमेज ले, जैसे यहाँ पे दोनों कैरेक्टर जो है कैमरा को फेस कर रहा है सीधा तरह से। अगर आपका कैरेक्टर टेढ़ा है तो आप जिसे स्वैप करेंगे वो भी आपका टेढ़ा होना चाहिए, दोनों एक ही तरह का होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग होगा तो वो मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। बोलता हूँ कि आप जब इमेज चूज़ करें तो सोच समझ के करें। वो करने के बाद जिसका फेस आपको स्वैप करना है उसका एक सिलेक्शन बना ले। सिलेक्शन रफ होगा, कुछ खास नहीं होगा। उसका एक सिलेक्शन बना ले, थोड़ा सा नेक ले ले ताकि ब्लेंड करने में इजी पड़ेगा। इसके बाद इसे कॉपी कर ले और इसमें इसे पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद आपको इस फेस के ऊपर एडजस्ट करना होगा ताकि मैं इसे इसके ऊपर लगा सकूं। तो जैसे देख सकते हैं इसका साइज अलग है। तो पहले मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूंगा, कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है। एडिट में जाके आप फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आप शिफ्ट दबाएं ताकि इमेज का पर्सपेक्टिव लॉस ना हो। इसे बड़ा कर ले और इसे इसके ऊपर प्लेस करें। इसके बाद इसका ओपेसिटी कम कर ले ताकि आप इसके मैच कर सकें। मैच कराने के बाद आप यहां पे ऐड लेयर मास्क में क्लिक करें। इसके बाद ब्रश टूल ले लें और यहाँ पे जैसे देखिए वाइट है तो आपको ब्लैक पेंट करना होगा इसे हटाने के लिए। तो मैं यहाँ भी ब्लैक पेंट करूँगा। चेक कर ले कि आपका हार्डनेस जीरो है ताकि एज जो रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा। अब मैं इसे धीरे धीरे पेंट करूँगा। ये आप जितना अच्छा से करेंगे आपका आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा। तो इसे करते समय थोड़ा ध्यान दें। ये करने के बाद आपको दोनों का इमेज का जो टोन है उसे मैच कराना होगा। टोन मैच कराने का तरीका यही है कि आपको देखना होगा कि इमेज कैसा है। यहाँ आप देखें जैसे कि इमेज में कोई लाइट का डिटेल नहीं है, यहाँ पे दूसरी इमेज में लाइट बहुत ज़्यादा है। तो इस लाइट को कम करने का एक तरीका है कि आप फेस कलर को फिर से उसके ऊपर पेंट कर दे, एक नया लेयर ले ले और जो फेस कलर है उसे आप आई ड्रॉपर टूल से पिक कर ले। पिक करने के बाद आप इसे आप पेंट करना शुरू कर दे। जहाँ जहाँ आपको लगता है लाइट बहुत ज़्यादा है वहाँ वहाँ पेंट कर ले कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको आप
लेयर का जो मोड है उसे आप कर दें डार्कन कलर, और उसके बाद ओपेसिटी कम कर दें। तो आप देख सकते हैं अंतर आ गया है बहुत। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ दोनों स्किन एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, आप अगर चाहते हैं कि वो दोनों भी मैच हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, उतना नहीं दिख रहा है, पर अगर चाहते हैं पूरा एकदम 100% आउटपुट चाहिए आपको, तो आपको एक तो एक तरीका कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसे इन दोनों लेयर को मर्ज कर दें। उससे पहले मैं इसका कॉपी बनाना चाहूँगा ताकि हमारा ये ख़राब ना हो, तो एक कॉपी बना के मैं उसे शट ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को मर्ज कर ले रहा हूँ। मर्ज करने के बाद मैं जहाँ जहाँ स्क्रीन एक दूसरे के ऊपर ब्लेंड हो रहा है वहाँ पे मैं हीलिंग ब्रश टूल लेके थोड़ा थोड़ा उसे मैच करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख रहे हैं बहुत आसानी से मैच हो जा रहा है। ब्रश का हार्डनेस हमेशा चेक करके ज़ीरो कर ले ताकि एज तो सॉफ्ट रहे। तो आप देख सकते हैं लगभग हमारा आउटपुट आ गया है। आप ये ट्राई करें और कुछ मज़ेदार इमेज बनाएं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ओपोजिट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कुछ और फनी बनाने के लिए। तो बनाएं और हमें दिखाएं। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार।